अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास का लेक्चर नंबर 20 है हमारे पास। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन 1-4 हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 243 मीटर एंड 27 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ आ स्क्वेयर शेप स्विमिंग पूल विच हैज़ द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, अब ज़रा देखें, यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की बात हुई है, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वेयर शेप स्विमिंग पूल। ठीक है, गिवन है हमें रेक्टेंगुलर की, फाइंड हमने करनी है स्क्वेयर की, और आगे उन्होंने कंडीशन दे दी है कि जो एरिया हमारा रेक्टेंगुलर का है वो इक्वल है स्क्वेयर के एरिया के स्विमिंग पूल के। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं हम वो लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की, 243 मीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ब्रेथ कितनी है, लेंथ किसको कहते हैं लंबाई को, ब्रेथ किसको कहते हैं चौड़ाई को, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 27 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, जब लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6561 मीटर्स के। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो इक्वल है रेक्टेंगल के एरिया के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर एरिया फाइंड आउट होगा तो हम उसको स्क्वायर के इक्वल करेंगे ना, इसलिए हमने एरिया फाइंड आउट किया है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हमने फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट करेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल क्या है, लेट किया है हमने एक्स। ठीक है, अब लेंथ स्क्वायर है तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड एरिया का स्क्वायर के, एरिया ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, एरिया स्क्वायर का कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल। मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल में उसका एरिया जो फाइंड आउट किया था वो लिख दिया। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल में जो लेट करके हमने फाइंड किया है एरिया वो लिख दिया। यानी हमारे पास जो दो एरियाज थे, एक ये था और एक हमारे पास क्या आया था, 6561 रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, वो हमने रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल के नीचे लिख दिया, और एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर जो आया था वो हमने स्क्वायर के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा देखिए, यहाँ पर है स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ये स्क्वायर हमने तो x फाइंड करना है ना, x लेंथ फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे। जब हमने स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड तो हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 6561 मीटर स्क्वायर का। जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 81 मीटर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था। अब एक्स उन्होंने क्या कहा था कि फाइंड आउट करें, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल, के लेंथ फाइंड आउट करें, जिसको हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल उसको हमने लेट किया था एक्स के इक्वल। ठीक है, अब हमने इस एक्स को फाइंड आउट कर लिया है, एक्स क्या है हमारे पास, 81 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई है, तो क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ स्क्वायर स्विमिंग पूल इज़ 81 मीटर।